देखिए स्टूडेंट, सरल रेखा का रिश्ता त्रिकोणमिति से भी बहुत ज़्यादा है। सरल रेखा का सवाल कभी कभी त्रिकोणमिति की रिश्तेदारी करता है और कभी कभी सरल रेखा का सवाल केवल बीजगणितीय नियमों की रिश्तेदारी करता है। रिश्तेदारी करने का मतलब तालमेल बनाता है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में ऐसा ही सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ जिसमें त्रिकोणमिति के सूत्रों का इस्तेमाल होगा और त्रिकोणमिति रिलेटेड वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो शुरुआत करें, लेकिन एक बात कहना हम भूल जाते हैं। नए दर्शकों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाली बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इस तरह की वीडियो उनको लगातार मिलती रहे। आगे बात समझ में। चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है कि बिंदु ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा से रेखा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर पी पर डाले गए लंब की लंबाई है। चार विकल्प है, चारों में से कौन सी बात सही है, जरा आप बताएं। वीडियो रोक लीजिए, आप बता दीजिए। नहीं बताना चाहते हैं, हम बता देते हैं। बिंदु ए कॉस अल्फा ए साइन अल्फा, ए कॉस अल्फा कमा ए साइन अल्फा, इस बिंदु से कौन सी रेखा पर डाला गया लंब, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर कितना, बराबर पी। चार को ऑप्शन दिया है, मैं बताता हूँ। देखो, किसी भी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जिस रेखा का समीकरण दिया हो उसी रेखा के दाहिने पक्ष वाले पद को बाएं पक्ष में लाएंगे और ठीक उसको बाएं पक्ष में ला रहे हैं, ठीक ना, दाहिने पक्ष को बाएं पक्ष में ला रहे हैं। हमें तो आंसर पर पहुंचना है, तो हमें तो बहुत लंबा प्रोसीजर वाला काम करना नहीं है, हम सीधे आंसर की तरफ जाना चाहते हैं। तो सीधे फार्मूला लगा लेंगे, क्या, इस यक्स को हटाओ, इसकी जगह पर यक्स की वैल्यू ए कॉस अल्फा यहाँ पर लिख लो, ए कॉस अल्फा इंटू में कॉस अल्फा पहले से मौजूद है, प्लस वाई की जगह पर वाई की वैल्यू ए साइन अल्फा यहाँ पर लिख लो, ए साइन अल्फा इंटू में साइन अल्फा, ठीक है। और मैंने बोला कि दाहिने पक्ष वाले को बाएं पक्ष में बुला लो, प्लस पी इधर आएगा माइनस पी, बटे में नीचे क्या होगा, बटे में नीचे होगा यक्स के बगल में जो भी है उसका स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ कॉस स्क्वायर अल्फा, वाई के बगल में जो कुछ है उसका स्क्वायर लिखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा। अब त्रिकोणमिति का अगर आपको सूत्र वगैरह पता है तो इसका फार्मूला क्या होता है, ये तो फार्मूला बहुत बदनाम है, सारे लोग इसे जानते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा वन, रूट से बाहर निकल के भी वन, और वन बटे के नीचे रहेगा तो उसका कोई अस्तित्व तो नहीं है, केवल ऊपर वाली चीज़ें हम लिखने वाले हैं। अब जरा एक काम करो भाई, यहाँ पर और यहाँ पर क्या कॉमन होगा, ए कॉमन हो गया, ए जब कॉमन हो गया तो क्या कॉस गुणे कॉस कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन गुणे साइन साइन स्क्वायर अल्फा माइनस पी। अब तुम ब्रैकेट के अंदर क्या देख रहे हो, फिर वही कमाल की चीज यही वाली, तो इसका वैल्यू क्या होता है, प्लस वन, तो ए इंटू वन हो गया ए, और माइनस में पी, बस इतना ही तो इसका जवाब है, बस इतना ही, ए माइनस पी इसका क्या है जवाब है। मैं देखता हूँ कौन से विकल्प में है, ये तो लास्ट वाला विकल्प डी वाला सही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपने सीखा कि सरल रेखा में त्रिकोणमिति का कमाल देखा आपने, आगे भी हम बताने वाले हैं इससे भी बेहतर सवाल, जरा उस पर गौर कीजिएगा, एकदम गौर कीजिएगा, बहुत बढ़िया चीज़ बताऊँगा, आखिरी तक देखना, अगर सीखना है तो आखिरी तक देखना, नहीं सीखना तो कोई बात ही नहीं है, नहीं सीखना है तो कोई बात नहीं है, मत सीखो, ठीक है। अच्छा, आ जाते हैं अगले टॉपिक पर। टॉपिक है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, बहुत बढ़िया है, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। देखो, एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, फिर क्या है, एक्स प्लस वाई
माइनस टू इक्वल टू जीरो। ध्यान से सुनो मेरी बात, रेखा इतना और इतना दो सरल रेखाओं का समीकरण है, ठीक है। इन रेखाओं के बीच की कोण की माप, देखो दो तरीका तीन तरीका चाहे जितना तरीका आपको मालूम होगा वो सब समय लेने वाला समय बिताने वाला तरीका होगा, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें समय तो बिल्कुल नहीं लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ आप क्या करेंगे, दोनों रेखाओं के बीच में कोण ज्ञात करने का, दोनों रेखाओं का एम वन एम टू निकाल के टेन थीटा बराबर वाला सूत्र लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, तमाम ताम झाम करेंगे, फिर भी सवाल आपका उतना शानदार नहीं होगा जितना शानदार मेरा होगा। मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, इस रेखा की प्रवणता मन ही मन निकाल के उसका कोण निकाल लो और मुस्कुराते रहो। इस रेखा की प्रवणता माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, यानी माइनस वन बटे वाई का गुणांक भी माइनस वन है, ये आ गया प्लस वन, ठीक है। इसकी प्रवणता माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक वन है, इसका वैल्यू प्लस वन और इसका वैल्यू क्या आ गया माइनस वन। तो ज़रा देखो भाई, दोनों गोल गोल अंडों के बीच में यहाँ प्लस वन है यहाँ माइनस वन है, टेन कितने का वैल्यू प्लस वन 45 का, टेन कितने का वैल्यू माइनस वन 135 का, सुनो टेन कितने का वैल्यू प्लस वन 45 का, टेन कितने का वैल्यू माइनस वन 135 का। अब इन दोनों के बीच में कोण कितने का है, तो इनके बीच में जो अंतर है वही तो इनके बीच में कोण बनेगा। 135 और 145 के बीच में कितने का गैप है, 135 और 45 के बीच में गैप कितने का है, कितने का भैया 90 का, बस इन दोनों के बीच में जो कोण है 90 डिग्री है। यह है आसान तरीका, ये क्या आसान तरीका। अगर इसी चीज़ को हम रिपीट करें, अधिक दिमाग रखने वाले बच्चों के लिए तरीका बता रहा हूँ, इसकी प्रवणता माइनस एक्स का गुणांक बटे वाई का गुणांक, तो माइनस वन बटे माइनस वन हो गया प्लस वन, दिमाग में आ गया प्लस वन, दिमाग में आ गया 45 आ गया। इसकी प्रवणता माइनस वन बटे वन माइनस वन आ गया, टेन कितने का वन माइनस वन 135, तो 135 और 45 135-45 के बीच में कितने का डिफरेंस हो रहा भैया 90 का ना, तो 90 आपका आंसर है। बाकी एम वन एम टू निकालने के बाद एक फार्मूला है आपकी किताब में, उस फार्मूले को दौड़ा देंगे तभी आपका आंसर आएगा। यही फार्मूला आप लगाते हैं ना बार बार, एम वन डिफरेंस एम टू बटे वन माइन वन प्लस एम वन एम टू, आप यही करते हो और यही करोगे। लेकिन मैंने जो बताया ये बहुत ही बेहतर तरीका है, जब ये तरीका जो मैं बताया वो ना काम करे तब लगाइएगा ये वाला। लेकिन टाइम बचाना है, स्मार्ट बनना है, स्मार्ट कैलकुलेशन करना है, तो आप तरीका वही लगाइए जो आपको बहुत जल्दी से जल्दी जवाब दिलवा दे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।